सो चैप्टर नंबर 13 और टेक्स्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं, क्योंकि टेक्स्ट 1 और 2 हम कर चुके हैं ऑलरेडी। सो पहला वर्ड क्या है? न्यू वर्ड बर्न। बर्न बर्न मीन्स क्या है? क्लास, ग्रेड, टीम। ठीक है। ई बर्न, ई जी बर्न, ई जी बर्न क्या हो जाएगा? क्लास क्लास वन ना, लेवल वन, क्लास वन, राइट। अच्छा, झंग क्या है? झंग टू ग्रो, टू डेवलप। ग्रो छांग क्या पढ़ेंगे? तो छांग, छांग, छांग। श्याओ क्या है? टू स्माइल, टू लव। ठीक है, टू लव, टू लव, स्माइल, टू लव। श्याओ, श्याओ, ठीक है, देख लो, श्याओ, टू स्माइल, टू लव, हंसना, है ना, श्याओ, श्याओ। अच्छा, अब देखो, एक श्याओ, हम कितने, बहुत सारे श्याओ पढ़ चुके हैं। श्याओ स्माइल वाला पढ़ा था, हाँ। ये श्याओ कौन सा है? टू लव, टू स्माइल, डिफरेंस है इसमें, ठीक है। वो जो हमने पहले पढ़ा था उसमें टोन भी चेंज है और करेक्टर भी चेंज है, ठीक है। एक ये पढ़ा था हमने ना, थर्ड टोन थी उसमें, वी कैप, श्याओ। ओके, थिंग शो, थिंग शो, नियो, न्यू फंग्योला, नियो, न्यू फंग्योला, नी फंग्यो, वेरी गुड, गर्लफ्रेंड, ठीक है, न्यू पंगियो। और बॉयफ्रेंड, सर बॉय के लिए तो नान आ जाएगा ना, वेरी गुड, बॉय के लिए नान आएगा। और न्यू, अच्छा, ये किस, यार माइक बहुत इशू कर रहा है, किसका है ये? अच्छा, ओके, थिंग शो नी यो, न्यू फंग्योला, थिंग शो नी यो, यो मतलब क्या होता हैविंग, है ना, हैव, हैविंग। थिंग शो हेयर्ड, थिंग शो का मतलब क्या है यहाँ पे? हैव हर्ड, हाँ, हर्ड। नियो, नियो फंग्योला, यू हैव गर्लफ्रेंड। वो रंशी थामा, आई नो हर, आई रिकॉग्नाइज हर, वो रंशी थामा। जियो श्री वोमन बन नागा छांग लियांगा द यांजिंग, ता यांजिंग। अच्छा, अब देखो, जियोशी किस लिए यूज होता है? किस लिए यूज होता है जियोशी? इन केस, इफ, ठीक है। वोमन, वी आर, बन क्लास, नागा, नागा दैट, छांग, छांग क्या बोलते हैं? ग्रोइंग, डिवेलपिंग, ग्रो होने वाली आंखें जो होती है ना, ग्रो, ग्रो हो रहा होता है कुछ। झांग जा, लियांगा टू, अब ये उसकी खासियत बता रही है ना, लियांगा टू, लियांगा, ता बिग, है ना, यांजिंग आइज, फेचांग, फेचांग आए, शियाओ द न्यू हायर, क्या बोले ना यार, ये बहुत हसमुख, आए शियाओ द न्यू हायर गर्ल, ठीक है, न्यू हायर गर्ल। ओके, जियोशी वोमन बन नागा झंग झांग झांग झ लियांगा ता यांजिंग फे छांग आए शियाओ द न्यू हायर थबूशी यो नान फंगियो मा, थबूशी यो नान फंगियो मा, ठीक है, क्या पूछिए? के उसका, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ठीक है, नागा दैट वन इजिंग शी था दा छे नान पंगियोला, ठीक है, दैट वन इज ऑलरेडी हर, छेन का क्या होता है? अर्ली, बिफोर, है ना, तो बोला कि ये जो है ना, ये जो है, इसका पहले क्या था? बॉयफ्रेंड था, नागा इजिंग, नागा इजिंग, दैट वन शी इज थादा हर्स अर्लियर बॉयफ्रेंड, ठीक है, नान फंग्योला। ओके, इसको अब इसमें क्या चीजें हैं, इसमें सेकंड सेंटेंस है जो है इसमें छांगजा, बस बाकी थिंग शो हमने पढ़ा हुआ है, हर्ट, हर्ट के सेंस में होता है। चलो इसको रीड कर लो।
वो रंशी था मां जोशी वोमन बन नागा जंचा लियांगा द यांजिन पेचंग आई श्यावगा न्यू है थबूशीयो नान हंग्युमा नागा इजे शिखा दा छियान नान्योला तिंशो नियो यो संग्योला वो अंशी तामा योशी वोमन बन नागा जंगजा लियंगा ता यंजिंग फेजिंग आय श्याओदा न्यूयार ता बूशी यो नान संग्योमा नागा इजिंग शी तादा चन नान योला ठीक है। अच्छा अब देखो एक एक चीज बताऊं मैं, अब तुम लोगों के पास बुक है ठीक है सॉफ्ट कॉपी में, इस चैप्टर को पढ़ना अभी जब क्लास खत्म हो जाएगी ना तो रीडिंग करना तेज तेज आवाज में ठीक है, मतलब जैसे हम पढ़ते हैं ना रीड कर रहे हो ना, अभी तुम रीड कर रहे हो इस तरह रीड करना ताकि तुम्हारे कानों को जो तुम पढ़ रहे हो वो सुनाई दे, एक दफा दो दफा तीन दफा पढ़ना ठीक है। शर्मा जी सर, जी सर पढ़ना है सर, अभी पढ़ू ये वाला? हाँ पढ़ो ना। चिंगशो नियो न्यू फंग्योला वो रंशी थामा जोशी वोमन बन नागा जंगजा लियांगा दा यांजिंग फेचांग आईशाओ दा न्यूहार था वुशी यो नान फंग्योमा नागा एजिंग शी था दा छेन नान्योला। ठीक है वेरी गुड। शर्मा तुम्हारी स्पीकिंग जा रही है रीडिंग, जरा फोकस करो। जी सर बोलो। जी सर रीडिंग देख लो तुम। बिंगवान ठीक है, बिंगवान 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 इज होटल, कौन सा होटल है? लिविंग होटल, जहाँ पे हम रेस्ट करते हैं, फाइव स्टार होटल कहलाते हैं। इजी क्या है भाई? इजी क्या है? स्ट्रेट ऑल अलोंग एडवर्ब। वांग मांग मीन्स क्या है? टूवर्ड्स टू। लूखो 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 इज क्रॉसिंग क्रॉस रोड्स, जो हमारी उर्दू में चौरंगी बोलते हैं हम। छिंगवन झरली शिन जिंग बिंगवान युएनमा। शिंग जिंग क्या है? इज अ नेम ऑफ अ होटल ठीक है। झरली शिन जिंग बिंगवान युएनमा, अब ये वही स्ट्रक्चर आ गया, क्या था रिमेम्बर? ए ली बी एडजेक्टिव यूएन है ना, ए इज फार अवे फ्रॉम फार, और क्योंकि अगर हम यूएन यूज करते हैं तो यहाँ पे फार आ रहा है, अगर हम बोले नियर तो क्या हो जाएगा? जिन है ना, समथिंग ली समवन या समथिंग ऑब्जेक्ट आ गया और एडजेक्टिव आ जाएगा ठीक है। ये पढ़ा था हमने चैप्टर नंबर कौन सा था, 13 आई थिंक 12 या 11 में था। ए ली बी तो ये क्या पूछा है कि भाई ए होटल शिनजिंग फार अवे फ्रॉम हेयर, झर का मतलब है ना हेयर, बू यूएन नो नो नॉट फार, जो जो देखो ये जो वॉक वाला है ठीक है, ये जो वॉक वाला है, एक जो हमने पढ़ा था अभी वो क्या था? टू सिट। जोलू अर्शी फंजोंग जियो दाओ, देखो क्या बोला है भाई, बाय अ वॉकिंग रोड है ना, वॉकिंग डिस्टेंस पे कितने अर्शी फंजोंग 20 मिनट्स ओके। बू यूएन नॉट फार अवे जोलू, अब देखो हम ये कौन सा थर्ड वाला जो है, ये कौन सा वाला है, अब इसकी पहचान क्या है? जब भी ये जो आएगा ना इसमें क्या होगा ठीक है, इससे तुम पहचान लोगे, लैग लैग्स हैं ये ठीक है, टू रन। एक हमने पढ़ा था अभी ये वाला आया था याद है वॉक वाला जिसमें तुम लोग कंफ्यूज हो गए थे, टू सिट वाला है ना, एक जो दूसरा था वो ये था जोफन वाला ठीक है। इसका मतलब क्या है? टू सिट इसका मतलब टू मेक, और इसका मतलब क्या है? टू वॉक। अब ध्यान रखना है, एक जो अलग है जो लेफ्ट और राइट के लिए याद है, लेफ्ट और राइट के लिए पढ़ा था, जो जो भी एन यो भी एन ठीक है। अब ये हम कैसे इसको पता चल पाएगा हमें डिफरेंस क्या होगा, ये हमारे जो है हमें करेक्टर का जब तक पता नहीं चलेगा हम नहीं कर पाएंगे ठीक है। तो लेकिन ये भी हमारे पास बार बार आ रहे हैं, देखो इसमें अब तुम्हें ट्रिक पता चल गई, ये जो आएगा तो मतलब क्या है,
मेरे सेंटेंस का सेंस भी यही बन रहा है ना, जोलू अर्शी फंजोंग जियो दाओ। टाइम बता रहा है, ये बोला है, ये बोला है कि भाई नॉट फार अवे जोलू टू वॉक बाय रोड इट टेक्स अर्शी फंजोंग जियो दाओ, जियो टू रीच है ना, आपके 20 मिनट लगेंगे पहुंचने में वहां पे, जियो दाओ दाओ टू रीच। जियो यहाँ पे किस लिए लग रहा है, देन के लिए लग रहा है, देन ठीक है। नी नंग गाओसु, नी नंग हमें पता है, यू कैन नी नंग गाओसु टेल मी वो जन्मा जोमा जन्मा हाउ जो हाउ टू गो, बोले कि यार तुम मुझे बताओ कि मैं कैसे जाऊं है ना, हाउ सॉन्ग, अब उसने क्या बोला सॉन्ग, सॉन्ग मतलब क्या है फ्रॉम है ना, सॉन्ग फ्रॉम सॉन्ग झर from yes. here, eg, eg is a adverb, अभी हमने पढ़ा eg is a adverb और adverb हमेशा verb से पहले लगता है, song from here, jhar, eg straight away to straight, bang to forward, chain straight, zo to walk, daula reached, chain mien in front of, chain mien the lukho, क्या बोला भाई सीधे जाओ पहले तुम है ना, टू स्ट्रेट टूवर्ड्स, गो स्ट्रेट टूवर्ड्स, जब तुम वहां पहुंच जाओ दावला चेनमैन सामने देखोगे, चेनमैन चेनमैन द लूखो सामने देखोगे तो एक क्या है राउंड अबाउट है, क्रॉस रोड है जो चौरंगी है ठीक है, लूखो जाय अगेन दोबारा क्या करो, अगेन वांग टूवर्ड्स यो, यो क्या मतलब क्या है राइट साइड यो है ना, यो तो तुम क्या करोगे चौरंगी से दोबारा अगेन सीधे हाथ पे मुड़ जाना, बोलते ना लुको जाए बांग टुवर्ड्स यो राइट साइड जो, फिर तुम दोबारा पैदल चलना शुरू हो जाना टू वॉक, समझ गए? यस सर। राइट, अब देखो दोबारा पढ़ते हैं इसको, उसने क्या बोला सॉन्ग फ्रॉम जर यहां से देयर, इजी गो स्ट्रेट, वांग वांग का मतलब भी क्या है टूवर्ड्स, चैन सामने की तरफ, जो वॉक दावला बोले जब तुम यहां पहुंच जाओ रीच्ड ठीक है, चलते चलते तुम एक जगह पहुंच जाओगे तो तुम सामने देखोगे क्या है क्रॉस रोड है चौरंगी है, जाय अगेन फिर तुम क्या करना वांग क्या हो जाना टर्न हो जाना मूव हो जाना टूवर्ड्स यो राइट साइड पे एंड देन वॉक राइट, क्लियर है? अब देखो अभी पहले वो क्या है, पहले यहाँ पे मौजूद है वो, ये बंदा लड़का यहाँ मौजूद है ठीक है, उसने बोला कि भाई यहाँ से जाओ सीधा ठीक है, सीधा जा रहा है भाई चैन मांग जो पैदल चलता हुआ, वो बोल रहा है जब तुम यहाँ पहुंच जाओगे ना तुम अपने सामने देखना एक चौरंगी आ जाएगी लुको, फिर क्या बोल रहा है जाए तुम उस चौरंगी से क्या करना सीधे हाथ में मुड़ जाना है ना राइट वांग यो दो, फिर यहाँ पे चलने शुरू हो जाना तो यहाँ पे होटल आ जाएगा, क्लियर? अगर वो बोलता yes, वांग जो यो जो जो तो तुम क्या हो जाते लेफ्ट साइड चले जाते है ना, जो लेफ्ट साइड तो पढ़ लेते हैं yes, Chengwan Jali Cheng Cheng Bingwan Yuanma Bu Yuan Zolu Arshi Panjong Jiodao Nina Gaosu Wo Zanma Zoma Songje Iji Wang Chenzo Daola Xianmian Da Luko Zai Wang Yo Zo Chengwan Jali Cheng Cheng Bingwan Yuanma Bu Yuan Zolu Arshi Panjong Jioda Ni Nang Gaosu Wo Zanma Zoma Songjia Iji Wang Qianzo Daola Qianyan Da Luko Dai Wang Yozo Qingguan Jarli Xinjing Bingguan Yuanma Buyuan Zolu Arshi Panjong Jiodao Ni Nang Gaosu उदन्मा जोमा सोंगजर ईजी वांगछियन वांगछियन जो
दावला चेनमेन द ल्यूखो जाय वांग योजो। ओके इसको फिर कर लो पहले। अच्छा एक जरा पहले चैप्टर पढ़ लो, ये तो आसान है यार, ये कर लोगे, सिंपल है ना। यस सर, है ना आसान है ना। ये तो पहला था चेन बियन ना आएगा। वेरी गुड, ये चेन बियन है या वो है पेन है? अरे ये पेन लग रहा है। ठीक है वो कुछ भी ऐड कर लो, पेन कर लो, पेन से लिए इट्स ओके। अच्छा इस पे आ जाओ सेकंड पे, सिंपल है। अच्छा ये व्हाइट कलर का पेन ही भी पहना हुआ है? टी शर्ट, तुम टी शर्ट भी कर सकते हो उसमें और पैंट भी कर सकते हैं, कूजी, रिमेम्बर पैंट कूजी। यस सर। तो इसको अगर थोड़ा सा तुम डिस्क्राइब करना चाहो तो क्या करोगे? था टी शर्ट को क्या बोलते हैं? छनछन भी बोलते हैं, थी शुन भी बोलते हैं, ठीक है टी शर्ट को। और पैंट को क्या बोलते हैं? खूजी, रिमेम्बर पैंट खूजी। तो व्हाइट कलर की ये शर्ट पहना हुआ है तो क्या हो जाएगा? बैसा। ठीक है बायसा की क्या हो जाएगी? बायसा जा छनछन और ब्लैक हाइसा जा खूजी। अब बनाओ हा फ्वांजा छनशन खा हाइसा द कूजी। ठीक है ये हमने बहुत ही डिस्क्राइब कर दिया, क्लियर है? यस सर। लिख लेना इसको, ये चेन छनशन या टीशुन दोनों कहते हैं टी शर्ट, एंड कूजी इज पैंट। अच्छा डीएनसी चल रहा है भाई, सिंपल है ये तो, डीएनसी खाए जन। आ खाए झ छ ना, क्योंकि वर्ब प्लस झ है ना देन ऑब्जेक्ट है। ठीक है वर्ब प्लस देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कार है तो छ हो गई है ना। Yes, sir. और वर्ब क्या हो गया? खाए था खाए झ छ न, आसान था ना ये, सिंपल। यस सर। ओके शर्मा क्लियर है ना? यस सर। द रेडिकल इज यूजुअली रिलेटेड टू एक्सिस और द एक्शन ऑफ कटिंग और वाइटलिंग, सो प्लेस। ठीक है न्यू शिन ये रेडिकल्स हैं, इस पर आ जाओ पेयर वर्क। अच्छा जी अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वर्क इन पेयर्स, वन से सेंटेंस यूजिंग एंड द अदर एक्ट अकॉर्डिंगली देन स्विच द रूल्स। अच्छा पहले इनका मतलब बताओ, पहले सोच लो तुम लोग इनका मतलब बताना, मतलब पूछ लूंगा वन बाय वन। ठीक है सोच के रख लो 30 सेकेंड। वेरी गुड। देखो वांग छेन जो का मतलब तो क्या है कि भाई गो स्ट्रेट टू द लेफ्ट है ना, बोलते ना भाई आगे से उल्टे हाथ पे, वांग छेन जो हम बोलते ना उर्दू में, भाई आगे से उल्टे हाथ पे ले लेना, ये वो वाला है वांग छेन जो टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, आगे से है ना, इन फ्रंट ऑफ लेफ्ट साइड वांग छेन जो। पहला तो क्लियर हो गया, दूसरा वाला क्या बोले तुम? वांग जो, अच्छा सॉरी ये जेड ओ यू है, वांग छेन दो, मतलब इसने पहले बोला भाई आगे स्ट्रेट जाने दो, वांग छेन दो, पहले वॉक टूवर्ड्स स्ट्रेट वांग छेन दो। ठीक है देन नीचे क्या है? वांग जो वांग जो, हाँ ये बोल रहा है, तो फिर जब तुम सामने जा रहे हो ना तो क्या बोले? वांग जो खान देन लुक लेफ्ट साइड, जो खान लुक एट द लेफ्ट साइड टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। अच्छा फिर क्या है? वांग हो फाओ हो बैक बैक साइड। वांग का मतलब है गो, पाओ पाओ का मतलब है जॉग या रन है ना, पाओ बू, रिमेम्बर
अच्छा अब एक काम करना, अब जैसे हम बोलते हैं ना कि यार इसका घर मेरे घर के उल्टे हाथ पे या सीधे हाथ पे, इस तरह करके बोलते हैं ना, है ना, तो सोचना थोड़ा कि भाई चौरंगी से उल्टे हाथ पे सीधे जाएंगे, कट लेंगे फिर उल्टे हाथ पे, इस तरह करके लूखो आ जाएगा। लूखो क्या है? लूखो चौरंगी क्रॉस रोड है ना। इस तरह करके सोच के थोड़ा बनाना, लिखने की कोशिश करना और फिर मुझे बताना, ठीक है। पहले मैप बना लेना, अगर समझ में नहीं आ रहा ना मैप बना लेना। फॉर एग्जाम्पल ये सीधा रोड, ये चौरंगी है और खुदा बस खड़ा हुआ यहाँ पे, और खुदा बस को जाना है यहाँ पर वलीद के पास। तो खुदा बख्श बोलेगा पहले मुझे कि भाई, मुझे बता रहा है कि भाई आप जाएं पहले स्ट्रेट, मांग छेन दो, लूको लूको लूको, फिर जाएगा वांग वांग जो फान वांग, वेरी गुड, वांग जो, वांग जो जो, वेरी गुड, वांग जो, वेरी गुड, वांग जो जो, इसी तरह करके बताना है। वलीद क्लियर है ना? वलीद है ना? ओके। खुदाबख्श, ओ सॉरी, मैं समी शर्मा। यस सर। ठीक है, ओके। इसको फिल आउट करना है भाई खुद ही अब, ठीक है। ये होमवर्क है तुम लोगों, इस पिक्चर को देख के फिल आउट करना है। इस क्लास को उतना ही रखते हैं, अब इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 14 शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास, सही है। अब मैं लूंगा मंडे को क्लास लूंगा इंशाल्लाह। तो फिर वेडनेसडे को रख लेते हैं, ठीक है। चलो वेडनेसडे को रख लेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।